चलिए सर अब अगले सम में चलते हैं आपने पिछला सम कर लिया समझ लिया होगा तो चलिए आगे चलते हैं अब मैं आ गया सिंगल एंट्री का एक सम लेके आ गया सिंगल एंट्री में आपको याद होगा दो मेथड होता है एक कन्वर्जन uh, मेथड जिसको फाइनल अकाउंट मेथड भी बोलते हैं और एक कैपिटल कंपैरिजन मेथड तो अभी मैं पहले कैपिटल कंपैरिजन मेथड का एक सम ले रहा हूँ ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर टू है जो कि पेज नंबर टू में है देखो शायद ये पेज नंबर तरीके पेज नंबर 253 में है ठीक है सर अब इधर आइए मैं आपको ये सम फटाफट पढ़ाता क्या बोल रहा है देखो बोल रहा है प्रिपेयर हर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर मतलब आपको प्रॉफिट लॉस निकाल के देना है ठीक है ऑन फर्स्ट अप्रिल नेहा स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर कोई नेहा जी है उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया शी अक्वायर्ड एंड फिटिंग्स ,00 तो बारह ,00 लाख तो लगाया और फिटिंग लगाया दो लाख का मतलब चौदह ,00 तो लाख गया तो देखो आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाओगे तो शॉप बारह लाख का है फिटिंग्स उस दिन दो लाख का है एक तारीख को ,00 उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोल लिया और इसका बैलेंस कितने का है चार लाख ओपनिंग डे में तो ओपनिंग डे में बस ये तीन एसेट्स तो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लो ओपनिंग कैपिटल कितने का है? अठारह लाख रुपए का था मिल गया सर कोई दिक्कत नहीं फिर बोलता है 13, के तक काम चलाया वेन शी वॉन्टेड टू नो वॉट ओवर द पीरियड और इसको पता करना था कि कितने रुपए का अर्निंग हुआ ठीक है शीज अप्रोच यू टू फाइंड आउट बिजनेस रिजल्ट विदोइंग इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन है इन एडिशन टू शॉप एंड फिटिंग पहले से वो तो है एर के एर के एंड में फिटिंग था वो है और क्या क्या मिल गया तो बोलते हैं देखिए इनके पास एक स्टॉक बचा हुआ ईयर के एंड में छह लाख रुपएगा तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे तो शॉप और फिटिंग तो रहेगा इसका वैल्यू बाद में बात करते हैं इन्होंने बस एक नया चीज बोला है कि इनके पास एक स्टॉक भी आ गया छह लाख रुपए का देखो स्टॉक आ गया क्लोजिंग डे में ठीक है सर मोटर कार जो कि थर्टी सितंबर को खरीदा था 550 में तो भैया अगर मोटर कार आ गया तो मोटर कार भी बैलेंस शीट में आएगा किंतु सितंबर में खरीदा था सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर मार्च छह महीने का डिप्रिशिएशन करने के बाद लिखना चाहिए पर एक बार मोटर कार का नाम तो लिख के छोड़ देते हैं डिप्रिशिएशन बाद में बात करेंगे ठीक है सर था बारह लाख रुपए का माइनस टू परसेंट कर दो तो इलेवन सेवेंटी सिक्स क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए शॉप का उसके बाद बोलता है फिटिंग्स पांच परसेंट डिप्रिशिएशन करना है तो तुम्हारा जो फिटिंग है उस पर पांच परसेंट डिप्रीशिएशन माइनस करके कितना बचेगा वन बचेगा सर और भैया इधर देखो सर कार पे बीस परसेंट है पर कार खरीदे तो याद है ना कब सितंबर में छह महीने का डिप्रिशिएशन करना है तो कार फाइव फिफ्टी में से बीस परसेंट छह महीना आधा साल का डिप्रिशिएशन करके वैल्यू बैठा दो सर सर बैठा दिया सर हमने और क्या बोल रहा है सर और क्या बोल रहा है

वही तुम्हारा नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट कितने का मिल गया तुम्हारा सिक्स नाइनटी फाइव सर नीचे क्या दिया वही डिप्रिसिएशन का नोट बना के दिखाया है कि डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट किया एंसर सिक्स फाइव आ गया काम खत्म पैसा सर